कभी कभी ये कहा जाता है कि आपके जीवन में सरप्राइज एलिमेंट्स वाकई में बहुत शानदार होते हैं और गोविंदा जी से वन ऑन वन करना मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट होने के साथ साथ एक बहुत शानदार मोमेंट भी है आ, क्योंकि जितनी मैं, मैं मेमोरी रिकॉल कर सकती हूं आ, स्क्रीन पर हमेशा गोविंदा जी को देखा है अभिनय करते हुए कई बार जैसा कि महिमा ने शुरू में कहा कि इनके अभिनय ने कई बार हंसाया तो कई बार इनका इतना शानदार अनुभव रहा जो इनका अभिनय रहा उससे रोना भी आया तो इसीलिए एक फैन मोमेंट इसे समझिएगा गोविंदा जी और कोई सवाल अगर अच्छा ना लगे तो या <laughs> भूल जाइए तो। एक इतनी शानदार सक्सेस गोविंदा के हीरो नंबर वन लोगों के जहन में आज भी आपको देखकर वही क्रेज रहता है जो डे वन हुआ करता था लेकिन तब के सेलिब्रिटी मोमेंट में और आज के सेलिब्रिटी मोमेंट में क्या कोई डिफरेंस आप फील कर सकते हैं आ, बहुत है और ये सिर्फ आ, मेरे ही साथ नहीं है या किसी विशेष कलाकारों के साथ में नहीं है इसलिए आया है कि ये एक एक तौर तरीका चला है जिसका मैं थोड़ा सा पर्दा उठाना चाहूंगा अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि जहां जहां प्रसिद्ध और सिद्ध सिद्ध जब तक नहीं होगा आदमी तब तक प्रसिद्ध नहीं हो सकता और प्रसिद्धि मिल जाए तो लोग फिर आदमी को नहीं मारते उसका नाम मारते है और ऐसे में उसका नाम की रक्षा करना हर तरह से चाहे धर्म से हो अर्थ से हो या पूजा प्रार्थना से हो यह बहुत महत्वपूर्ण है तो शोहरत चाहे व्यक्ति विशेष की हो या किसी नेता की हो या देश की हो या राज्य की हो उस शोहरत के पीछे वही लोग पड़ते हैं जिस वक्त शोहरत आगे रहा करती है तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि इस वक्त मैं आगे निकली हूं तो पीछे लोग पड़ेंगे तो ऐसे में एक तरीका बना दिया जाता है कि इनका सम्मान ऐसे किया जाए इनको इस तरह से पुकारा जाए इनको इसमें इतने ही तारीफ के अंदर बंद कर दिया जाए या ये कितने भी विशेष हो जाए या कमाल हो जाए पर यह हमें से एक तो है पर ये हमारे नहीं है तो उसको एक अलग तो काबलियत बगल में रह जाती है काम भी आपका बगल में रह जाता है और तारीफ आप उस स्तर पे नहीं पहुंच पाते जिसके आप लायक होते हैं तो ये सिर्फ आज जितनी भी पीढ़ी जो देख रही है ये जो मैं उत्तर दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जिस वक्त देश में या राज्य में या आपके घर परिवार में जो व्यक्ति का नाम हो जाए या उसे ईश्वर इज्जत प्रदान कर दे जैसे मुस्लिम लोग कहा करते हैं कि इज्जत और जिल्लत का मालिक खुदा है तो वो ये समझते हैं कि वो किसी के हाथ में नहीं है तो जो दैविक चीज मिली है आपको उसका सम्मान रखना चाहिए और किसी भी विशेष व्यक्ति को मिली है आपके राज्य का है आपके घर परिवार का है तो जो बेवकूफ है वो जलने लगते हैं और जो समझदार हैं उसको फायदा उठाते हैं बल्कि इतना फायदा उठाते हैं कि वो जो जिसे शोहरत मिली है वो भी इतना कामयाब नहीं होता जितना के बगल वाले हो जाते हैं क्योंकि यज्ञ करने वाले जो हैं, कभी कभी उस हद में जाकर पुण्य की प्राप्ति नहीं कर पाते जितना वहां सेवा कर रहे होते हैं वो कर लेते हैं जितना के वहां साथ में जुड़े हुए होते हैं वो कर देते हैं तो जीवन यज्ञ के समान ही होता है उसका मुख जो है वो आपके किए हुए पुण्य है और शोहरत जो है उससे मिला हुआ पुण्य है आपने आपसे थोड़ी देर पहले जब सवाल पूछा तो आपने फिल्म इंडस्ट्री के रेलिवेंट कुछ सवाल उठाया आपने पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि साउथ इंडस्ट्री किस तरीके से ओवरटेक कर रही है आप चाहे बिजनेस के लिहाज से करिए उससे पहले मैं पैंडेमिक पीरियड की बात करूंगी क्योंकि कोविड पीरियड में फिल्म इंडस्ट्री बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से हिट हुई क्या आपको लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक फिल्म इंडस्ट्री उभर आई है या ये सिर्फ एक दो फिल्मों तक ही सीमित रह गया है या इसमें ज्यादा टेक साउथ इंडस्ट्री का चला गया देखिए जो जड़ से जुड़ा रहेगा वो हरा रहेगा ये पहाड़ों पे जा जा के लोग पानी नहीं देते पेड़ों में परंतु ये जड़ से जुड़े हुए लोग हैं। ये जड़ से जुड़े हुए पेड़ जो जो जहां जहां है उसका कहां माली दिखाई दे रहा है कहीं ये कही है कि जड़ से जुड़ा हुआ है साउथ जड़ से जुड़ा हुआ है आज भी आप उनकी फिल्में देखिए मंच उच्चारण के मंत्र उच्चारण के साथ शुरू होती है अभी भी वहां युद्ध हो जाता है तो पीछे मंत्र शुरू हो जाते हैं <laughs> अगर आप सिनेमा देखेंगे तो देख के आपको पुरुषार्थ जो है उसके लिए प्रेरणा मिल जाती है कि एक आदमी जिसे हम हीरो कहा करते हैं जिसे हम वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए तो उसमें वो दिखाया करते हैं कि उसकी धर्म में आस्था है उसमें शक्ति जो है वो ऐसे ही नहीं आ गई है हवा में उड़ के और वो कर सकता है तो करने की वजह भी दिखाते हैं और उसके अंदर जो उसकी जो हीरोइज उसके दिल में है वो कैसे निकल के बाहर आता है वो आज भी साउथ के सिनेमा में दिखाई देता है और जो हिंदी चित्रपट है उसमें इतने ज्यादा हस्तक्षेप है और इतना ज्यादा उसके अंदर कभी कभी ऐसा दिखा दिया जाता है कि अरे ऐसा अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है हाँ तो ऐसा हुआ होगा तो उसमें लेक पुलिंग होती है हमें लगता है कि वो व्यक्ति की लेख पुलिंग हो रही है नहीं वो पूरे समाज की लेख पुलिंग होने लगती है नहीं वो पूरे के पूरे धर्म के साथ लेख पुलिंग होने लगती है वो थोड़ा सा थोड़ा ध्यान से देखना बड़ा जरूरी है मेरा ऐसा सोचना जी। है जी। अदरवाइज तो शुक्र की व्यवस्था है उसमें वो अच्छा बुरा सही गलत सब दिखाने वाले हैं जो आपके लिए चाहिए जो आपके लिए अच्छा है आप लीजिए जो आपके नहीं अच्छा है नहीं लीजिए लेकिन गोविंदा जी पहले बॉक्स ऑफिस नंबर्स के इतने मायने रखते थे मतलब आप जब लीड हीरो के तौर पर फिल्मों में काम करते थे क्योंकि हम आज की जनरेशन ये देखती है कि कौन सी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना पैसा कमाया एडवांस बुकिंग में कितना पैसा फिल्म ने कमा लिया ओवरसीज उसने कितना बिजनेस कर लिया लेकिन तब क्या ऐसा होता था कि बॉक्स ऑफिस नंबर्स सौ करोड़ का क्लब चार करोड़ का क्लब पांच करोड़ का क्लब इसको लेकर उतना क्रेज रहता था प्रमोशन क्या इतने ज्यादा होते थे जितने आज हम होते हुए देखते हैं फिल्मों के ये दो हजार से शुरू हुआ है 2009-10 में अगर आप देखें सात तक तो प्रॉब्लम नहीं आई 2007 तक प्रॉब्लम नहीं आई 2007 के बाद में यह इस तरह का एक दौर शुरू हो गया मैंने अपने किसी मित्र से वार्तालाप की कि भाई दक्षिण ले आओ नहीं तो फिर ये जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं ये चढ़ी पहन पहन के घूमते हुए मार्केट में दिखाई देंगे वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी वो इज्जत नहीं रहेगी पूरे विश्व के अंदर पूरी पूरे विश्व में ये भारत देश ही ऐसा है जहां नौ ग्रह जो है आप विराजमान है वरना अगर देखिए तो सबकी अगर एक लुक है वर्ल्ड में जाइए तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लुक जाति वर्ग देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो होता है वो आपको सिर्फ यही देखने मिलता है ऐसा और कहीं नहीं दिखता तो उसका संभाले रखना ये बहुत अवश्य है आवश्यक है और हर तरह से संभाले रखना बहुत जरूरी है कि अगर मैं कहूं कि नौक नौक रहा जो अगर कहीं पे विराजमान है अगर तो हम लोग के अपने देश में ही हमारे देश में है तो मेरा ऐसा सोचना है कि वो हम पे कृपा हुई है और इसी के उजाले के अंदर पूरी दुनिया आज उसका मजा ले रही है समझ रही है कि हो क्या रहा है और आने वाले कल के अंदर हम क्या देखने वाले हैं ये सिर्फ यहां से देखने मिला है क्योंकि वो आंखें ही नहीं और किसी के पास आप समझ रहे हैं चित्रपट के माध्यम से उससे जुड़े हुए गाने चलते थे उससे जुड़े हुए चलते थे चित्रपट के माध्यम से उससे जुड़ी हुई कहानियां आती थी तो उसमें एक व्यक्ति विशेष जो है उसको संभाले रखने की एक शक्ति रखता था परंतु वो एक से निकल के 2007 के बाद में उसका उद्योगिकरण हो गया उद्योगीकरण गलत नहीं है बहुत अच्छा है आज जिस तरह के पैसों के आंकड़े हम लोग सुनते हैं हमको बहुत दुख होता है साला इतना पैसा हम हम कमाए नहीं <laughs> तो कष्ट होता है परंतु ऐसा लगता है कि यार वो वो गाने कहां चले गए वो जो फिल्मों की कहानी आती थी जो छू जाती थी वो कहां गई वो रेलेवेंस जो नजर आता था फिल्मों का रियल लाइफ के साथ में वो कहां गया अलग ही कुछ दिखाने लग गए थे कि ये भैया ये ऐसा हो सकता है या ऐसा कर दो तो ऐसा लगता है कि यार ये वो सुर में नहीं है मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज की मूवीज की ना आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगती है ना आपको गाने बहुत अच्छे लगते हैं नहीं ऐसा नहीं, है। नहीं होते या ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मैं कहूंगा हाँ। कि मैं नहीं करूंगा हाँ। किसी भी आर्ट एंड कल्चर का किसी का भी किया हुआ पेशकश है मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये पूरातः गलत है कभी नहीं क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट का सम्मान करना चाहिए परंतु मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि वो थोड़े पर्सनल है वो थोड़े ग्रुपिज्म वाले हैं और वो लोगों के समक्ष है इस वक्त आंख बंद करके बिल्ली दूध पी ले तो उसे लगता है कि मुझे दुनिया नहीं देख रही है परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि लोग आपको डिस्कार्ड कर देते हैं जी। आप लोगों को जाके कहना चाहते हैं कि भाई हम जो कह रहे हैं वो सत्य है परंतु लोग नहीं मानते ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग डिस्कार्ड कर दे लोग है, नहीं है यार नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भय भी लगना चाहिए प्रेम भी जगना चाहिए और एट द सेम टाइम भय तब लगेगा जब लगेगा कि आदमी विशेष नहीं कह रहा किसी व्यक्ति विशेष की यह रचना हो तो ठीक है परंतु भय तब लगेगा जब लगेगा दैविक है आय आय तो जो काम दैविक रूप से शुक्र के नीति के अंतर्गत किया जाता था वो मिसिंग है और इसके अधिक मैं कुछ भी नहीं कह रहा अभी <laughs> जिस तरह अच्छा पहले बताइएगा सर क्योंकि मैंने तो देखा है हालांकि लेकिन कम देखा है आज जिस तरीके से विमेन सेंट्रिक मूवीज बनती हैं जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं वो लीड रोल में होती हैं और पूरी फिल्म का भार उनके कंधों पर होता है ऐसा पहले बहुत ना के बराबर होता था आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत होंगी तो लेकिन आपको लगता है कि जब पे पैरिटीज की बात होती है जब ये कहा जाता है कि समकक्ष एक्टर को जितना पैसा दिया जाए उतना ही फीमेल एक्टर को भी पैसा दिया चाहिए uh, right? uh, बदलाव आपने इसमें देखा है और मूवीज़ को लेकर आपका क्या सोचना है क्या उनकी और परसेंटेज बढ़नी चाहिए धन्यवाद देता हूं मेरे आदरणीय नाना जी का वासुदेव प्रसाद जी का वो इन फोर्टीज में चाह रहे थे कि उन्हीं की बेटी शारदा प्ले करे और मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी की आयु उस वक्त फोर्टीन थी जी। जिस वक्त उन्होंने शारदा का रोल किया था और वो पहली ठाकुर पर घर परिवार से थी जो आके हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में बनी तो उनकी पहली फिल्म शारदा थी और वो बनारस से थी और नौवीं फिल्म जन्माष्टमी थी केवल नौ फिल्में उन्होंने की नौ फिल्में की उन्होंने उन्होंनेट तो मुझे ऐसा मेरे ऐसा सोचना है कि जिसकी आराध्या ही जो है वो माँ शारदा हो जी। उसमें लेडीज को पढ़ने से कौन रोक सकता है पोसिता, पोसिता, पोसिता। तो पोसिता। माता माता ही वो सर्वत्र मातृदेव उसमें जो एक मातृ रूप की एक जो जो एक शक्ति प्रदान एक जो एक दिग्दर्शन कहना चाहूंगा मैं है वो दिखाई देना चाहिए और उसमें जो लड़कियां आगे निकल रही है वो बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी हीरो इनटेड फिल्में बननी भी चाहिए मुझे कहीं मौका मिलेगा तो मैं भी डेफिनेटली करूंगा हम लोग आपको देखना चाहेंगे पर <laughs> ऐसा सब्जेक्ट तो <थो> आए <laughs> बिल्कुल हंड्रेड परसेंट <laughs> लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बढ़ना और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो बड़े पर्दे पर नहीं आ पाती लेकिन हमने देखा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर फिल्मों की झड़ी लगी हुई है एंटरटेनमेंट के भी वो जाहिर एक बड़ा स्रोत हो जाता है बड़ा सोर्स हो जाता है बदलते समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कितना ज्यादा एक्टर्स के लिए एक मंच लेकर आए कि उनको जिनको बड़े पर्दे पर मौका नहीं मिल रहा वो अपनी प्रतिभा दिखा सके और आपको लगता है कि शानदार एक्टर्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने खुद देखे हैं आपकी कोई पसंदीदा जी सब अच्छे लगते हैं मुझे जितने जो हैं और वहां पे सबसे मुझे अच्छा ये लगता है कि जो रोक टोक नहीं है किसी की जी। मंच प्रदान करने की जो व्यवस्था है किसी अमुख व्यवस्था ने उसको उसका अपने अंतर्गत नहीं लिया है अमुक लोगों को ही ये मंच मिलेगा या फिर बाकी लोगों को नहीं मिलेगा ऐसा वहां पे नहीं है जी। तो आप देखिए कितने छोटे छोटे वर्ग से निकले हुए लोग आर्टिस्ट जो है वो टॉप पे आ गए हैं और बहुत अच्छा लगता बहुत है देखने हाँ। तो जब आप नीचे से ऊपर आते हैं और आपके लिए कहीं पर यह नहीं होता कि अरे इसे ठहराओ इसको रोक दो ये हमारे इसमें से नहीं है या हमारी जात का नहीं है या हमारे परिवार का नहीं है या हमें से नहीं है या हमारा नहीं है ये क्या सब लगा के रखा था बीच में ये सब अच्छा नहीं था ये माहौल बहुत गड़बड़ा गया था तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म आया है उसके वजह से बहुत सारे नए आर्टिस्ट जो है नए कलाकार जो है वो आगे आ रहे हैं ये अच्छा है प्लेटफॉर्म कहीं भी किसी भी रूप में मुझे लगता है चाहे ड्रामे का हो चाहे ओ का हो जो हो वो अच्छा ही है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए और उसका राइट यूज कैसा किया जाए इज द और आपको लगता है कि वो हो पा रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से डेफिनेटली हुआ है और मेरा ऐसा सोचना है कि ये जैसे 2014 लगा है आप देखिए 2014 के अगल बगल में ही हाँ। ये आया है हाँ। और दस बारह में तो ऐसा हो गया था कि फिल्में ही नहीं रिलीज हो रही थी वेट करना पड़ता था मतलब एक फिल्में मैंने की है और लगातार हर साल मैंने हिट दिया है मेरी फिल्मों को भी मंच मिला नहीं तभी तब मैंने भी कहा था जी। लोगों ने कहा कि यार यार बहुत देख लिया बहुत हो गया बहुत ऐसा है बहुत वैसा है तो वो तो फिर मुझे लगा सब पर्सनल हो रहा है hmm. जब अच्छा आर्ट एंड कल्चर आ रहा हो तो यू शुड लुक एट एट दैट एज एन आर्ट एंड कल्चर एंड नॉट ओनली फॉर यू एंड मी इट शुड बी फॉर होल कंट्री बिकॉज इट्स टू गो टू ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भाषा निकल के पूरे विश्व में पसरने वाली है जी. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो क्या है आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि ये उसका है ये उसका है वो उसका है तो मेरे जहन में वही अंग्रेजी का शब्द आया जिसको लेकर आपने कहा कि माहौल खराब हो गया और वो शब्द है नेपोटिज्म का आपको लगता है कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है सर ये बहुत लेम सवाल है मुमकिन है कि सबसे पूछा नहीं, गया हो है भी वो हुआ ही करता है पहले भी रहा होगा ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहा होगा हाँ, है हुआ करता है और आगे भी रहने वाला है तो शब्द की जनक हाँ? इस शब्द की जनक कंगना रन जो ये शब्द बाहर लेकर आई जिसके बाद इसको लेकर चर्चा शुरू हुई तो आप उनको क्रेडिट तो देंगे कम कम से डेफिनेटली दूंगा इस बारे में किसी ने तो बात की मैंने भी कही उस, उसने तो शी सेकंड वन टू से एंड मैंने भी कहा था पर मैंने मेरा ये कहना है कि ये था ये है शायद ये रहेगा क्योंकि इस टाइप के लोग रहेंगे इस टाइप के लोग थे इस टाइप के लोग हैं मेरा ये सोचना है जो उसके अबाउ जो है लोग हैं जिसको हम जनता जनार्दन कहते हैं जनता जनार्दन का इसमें रोल क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खरीदार वो है जिस वक्त बीच में डिस्कार्ड कर दिया जनता ने ऐसे लोगों को आप देखिए सब सुधर गए सुधरना पड़ गया दूसरा रास्ता नहीं है मेरा ऐसा सोचना है कि जब जनता जनार्दन जो है वो डिसीजन ले लेती है तब अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं एंड वट यू हैव टू सेलिब्रिटी किट्स बच्चे छोटे बच्चे मतलब पैदा ही होते हैं कि उसके बाद उनके एक, एक फोटो मिल जाए एक कोई देख ले फिर जो सेलिब्रिटी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के चेहरे छुपाते हुए घूमते हैं वॉट अबाउट दिस कल्चर ये ये क्यों है क्या पैप कल्चर ज्यादा बढ़ गया है या इसको लेकर सेलिब्रिटीज रिफ्रेंस ज्यादा करने ने, लगे हम क्योंकि ने, ने, पहले ने, भी होता था ये तो नहीं नहीं एवरी पावर इज अ पावर यू के नॉट टेक दिसीजन जैसे टेलीविजन आया था तो लोग कहते थे इडियट बॉक्स है फिर टेलीविजन से कब टॉप के लोग आर्टिस्ट निकले फिर आज टेलीविजन के माध्यम से कितने ज्यादा टॉप मोस्ट एक्टर्स जो हो जाते हैं या बनते हैं ये तो दिखाई देंगे तो टेलीविजन इज बिकम सो ह्यूज नाउ डेज तो ये पावर है ये सोशल मीडिया जो है ये पावर है इसका आप राइट यूज करें बच्चों के लिए राइट यूज हो ही रहा है अब जिस वक्त कोविड आया था तो सब बच्चे पढ़ाई उसी पे कर रहे थे तो दे हैव इट राइटली तो एवरी पावर इज अ पावर इफ यू आर यूजिंग इट इन टू राइट वे इट इज गुड इट इज गुड हाँ यही है कि लोग ज्यादा देख देख के बीमार ना हो जाए बच्चे जब अधीन हो जाते हैं ये सब चीजों के तो फिर वो लोगों को टफ होता है समझाना क्योंकि hmm. वो बाल वृत्ति होती वो थोड़ा जिद करते हैं फिर माए संभाल सकती हैं ऐसे में <laughs> और तो बहुत टफ हुआ करता है ये तो ये तो हम सब जानते हैं कि आपके अंदर वो जो एक्टर है वो हमेशा बरकरार रहेगा लेकिन वो जो एक पॉलिटिशियन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उस पॉलिटिशियन को किसने रोका कभी कोशिश नहीं किया मैं कभी कोशिश नहीं किया मुझे जिद करके बनाया गया <laughs> और वो मुझ पे आदेश आया और आदेश ऐसी ऐसी जगहों से आया कि जिसमें मैं रिफ्यूज नहीं कर पाया उन्हें और सब कह रहे थे चौदहवीं लोकसभा है गोविंद तुम कर लो और ये समझ लो और देख लो और ये मुझ पर बहुत ही कृपा रही कि मैं पॉलिटिक्स में गया और मैंने मेरी आंख से देखा कि कैसे हुआ करता है क्या हुआ करता है लोगो उसके बारे में अपना क्या दिग्भ्रमित होते हैं या भ्रमित होते हैं मुझे नहीं पता परंतु मुझे तो ये समझ में आया कि जिसे हम लोग सोचते हैं कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता वो सबसे ज्यादा समझदार है और वो जनता है सब समझते हैं अच्छा खासा सब समझते हैं एक एक शब्द से निकलता हुआ अर्थ समझ में आता है बहुत पढ़े लिखे हैं परंतु देशकाल परिस्थिति के हिसाब से जिसका जब जैसे चल रहा है वैसे नाम और इज्जत चला करती है वही मैंने देखा तो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से गोविंदा का इंक्लिनेशन ज्यादा कहां है देश काल परिस्थिति के हिसाब से मैं आप कह चाह रहे हैं कि मैं अपने भविष्य के लिए मैं अपने कहूँ <laughs> हाँ तो मैं कह सकता हूं कि बहुत साल पहले मैंने अपने मित्र से मुलाकात की और मैंने कहा कि तुम दक्षिण जो है वो उसे ले आओ फिल्मों में ये फिल्मों के लिए अच्छा रहेगा और जब से दक्षिण आ गया वहां से फिल्में बनी भी और टिकी और चल पाई के दक्षिण था और आ, मैं तब कह रहा था तब मैं ये कह रहा था कि यार मेरा अगला जो है दस बारह वर्ष फिल्मों के लिए अच्छा नहीं है और मुझे मैं पर्दे पे दिखाई नहीं देता तो कहा ऐसा क्यों कह रहे हो चची भैया मैं कहा ऐसा लग रहा है ऐसा मेरा अपना सोच है मेरी फीलिंग है वैसे ही जिस वक्त मैंने वैसे सोचा था अब मैं 59 का होकर मेरी सिक्सटी लगने वाला हूं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पुनः मत लोग कहेंगे आप लगे आप लगते नहीं <laughs> अब मुझे अब लग रहा है कि मैं फिर पुनः फिल्मों में आऊंगा और मैं उतनी ही तेजी के साथ आऊंगा जितना पहले आप लोगों ने देखा था <laughs> तो वो जो वो जो आपका इश्क लड़ाई वाला जो स्टेप है और ऐसे बहुत वो सारे पता नहीं की मुझे इस लड़ाने का मौका मिलेगा नहीं। <laughs> नहीं। <laughs> कि नहीं हीरोइन भी तो तैयार होनी चाहिए आपसे पूछने लगूंगी आई वुड लव टू देखिए अच्छे अच्छे आदमी को और पंजाबी आदमी को इश्क लड़ाने का मौका मिल जाए तो ये कभी चांस गवाता नहीं है वो <laughs> <laughs> तो फिल्मों में आप वापसी की प्लानिंग में है डेफिनेटली मैं आऊंगा और मैं ले रहा हूँ फिल्म में फिर अभी सब्जेक्ट सुन रहा हूँ अभी मेरा ऐसा सोचना है कि मुझे जब भी मिला है काम ऐसा कभी इजी नहीं मिला बहुत हार्ड वर्क किया है तब काम मिला है तो हो सकता है कि फिर से वो उसी तरह से मुझे पहले तरह हार्ड वर्क करना पड़े और फिर वो गोविंदा पुनः आप देखें जो आप देखा करती थी एंड व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स व्हाट अबाउट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में आप जाइए या पॉलिटिक्स में आप नहीं जाइए पॉलिटिक्स आपके यहाँ साथ रहा करता है आप में होता तो आप है आप कि... में होता है आप उससे कभी चुप आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है नहीं, नहीं मेरे साथ लकीली नहीं हुई मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हुई है नहीं नहीं नहीं, नहीं कत ही नहीं मैं नहीं। कभी नहीं कहूंगा हाँ रोकटोक तो राजकीय वर्ग से लग सकती है इसमें पहले किशोर कुमार जी का मैंने सुना था कि उनके साथ हुई थी और उनके पर लगी थी रोकटोक और काफी साल के लिए देखिए सत्य मराठी में कहावत है कि सत्य पूरे शानपूर्ण सालत नहीं कि सत्ता के आगे किसी की चालाकी नहीं चलती ये सच है और हो सकता है परंतु मेरा उसमें विश्वास इतना ज्यादा नहीं है मुझ पे मैं जो गोविंद से गोविंदा हुआ वो दैविक कृपाओं से हुआ और किसी बहुत ही दैविक व्यक्ति की ये पूर्व रचना थी कि गोविंदा कई साल दिखाई नहीं देगा और मैं उस उसे पढ़ पाया देख पाया पहले मैंने दूर से देखा था फिर मैंने बहुत करीब जाके देख लिया तो इसीलिए आप देखिए किसी विशेष व्यक्ति पे मैं कभी लाछन लगाऊं ऐसा कभी नहीं हुआ मैं किसी का नाम लू या किसी को कहूं कि ये ऐसा है या दगाबाज है या गलत है या बुरा है मैं शायद ऐसे किसी के लिए कहा करता हूं मुझे ये कहते हैं भाग्यम फलति सर्वत्रे न विद्या न च बाहुबल न विद्या चलती है न किसी का बाहुबल चलता है जिस वक्त भाग्य जो है वो कृपा करता है और देवियों की कृपा हो जाती है उस वक्त गोविंद से गोविंदा बनने से रोक लोग नहीं सकते एबसोल्यूटली सर एबसोल्यूटली लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे क्योंकि यहाँ पर बहुत यूथ है यूथ को लेकर आपका मैसेज क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम मॉडलिंग में आए तो हम टीवी पर आएंगे हम फिल्मों में चले जाएंगे या जरा सी सक्सेस आजकल यूट्यूबर्स आप देखते हैं ऐसे बहुत सारे ओटी टी प्लेटफॉर्म पर या फिर अदरवाइज ऐसे टैलेंट हांड्स हैं जैसे बिग बॉस है या फिर इस तरीके के शोज हैं वहां से निकले हुए लोग फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने जगह बनाते हैं भले ही छोटे रोल्स के साथ शुरुआत बात करें उनकी एस्पिरेशंस और चैलेंजेस को लेकर यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे और अगर पीछे बैठे युवाओं के पास कोई सवाल है तो वो अपना सवाल इसके बाद पूछ सकते हैं सर मैं यूथ से वही कहना चाहूंगा जो बहुत साल पहले मैंने फिल्मों में फिल्म लाइन के लोगों से कहा कि भैया दक्षिण जो है अगर आप धर्म के विषय में भी आप कहना चाहेंगे तो बहुत बड़ा योगदान है और पूर्व का तो यह जहां हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे वो लोग का तो योगदान है परंतु यहाँ देवी देवता ही यहीं से निकले हैं तो हम लोग पे तो इतनी ज्यादा कृपा है कि हम लोग जहां से हैं देवी देवता वहां से निकले हैं आज जितने जो लोग वर्ल्ड में जो पूजा प्रार्थनाएं हो रही है वो पूरी पूर्व से ही निकला है जो जो है तो वो तो कृपा है परंतु ये समझे कि जो जो जहां जहां जैसे जैसे है वो दैविक कृपाओं की वजह से है उससे आप नाम में या उसकी इज्जत में क्योंकि वो आपके देश का है आपके राज्य का है आपके घर परिवार का है किसी प्रकार का खलल ना आए ये आप लोग ख्याल रखिए या अगर वो अपमानित भी हो रहा है तो उसको एक हद तक ही देखना क्योंकि वो आपका अपना किसी दिन आएगा काम आप ही के हुँ. वरना कभी कोई और शक्ति आ जाएगी किसी और ताकत के हाथ में चला जाएगा तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसलिए जो है जैसा है ये लगता है कि थोड़ा सा आ, इसमें ज्यादा आपके लिए राज्य या राष्ट्र के अपना ही विचार कर रहे हैं ऐसा लगेगा परंतु काबिल होगा तो वो तो निकलेगा ही कहीं से भी निकलेगा तो निकलेगा ही परंतु आपका है तो जरा ख्याल रखना चाहिए और ये जो, जो बढ़ चढ़ कर लोग जो कह देते हैं आज तो कह दिया हम तो सुना ही देंगे आज ये सबसे थोड़ा सा बाहर निकले मैं युद्ध से यह कहना चाहूंगा और यूथ ऐसा कर रहा है मैं देख रहा हूं कि बहुत पढ़ लिख गए हैं हैं अच्छे और बहुत बहुत सरल है स्ट्रेट है ये बहुत अच्छा है स्ट्रेट ये अच्छा पर नहीं कर दे तुरंत एक एक देमेंट देखी कि थोड़ा सा इनके साथ मिस्टेक हो गया और तुरंत डिस्कार्ड कर दिया ऐसा माँ बाप के साथ भी ना करे भाई बहनों के साथ भी ना करे मित्रों के साथ भी ना करे किसी के साथ नहीं करे यूथ लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा जी थैंक यू सो मच और इसी के साथ एक बार जोरदार तालियां हो जाएं बहुत बहुत शुक्रिया गोविंदा जी आपने समय दिया और कई बातों पर आपने बात की बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू सो मच